नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अच्छे टॉपिक पे। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे लोग जो नए होते हैं, हालांकि जो लोग पुराने हैं उनके कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो लोग विजिट कर चुके हैं विदेशों में उनके लिए भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फ्रेशर लोग हैं जो एक बार विदेश जाना चाहते हैं उनको नहीं पता होता है पासपोर्ट में वीजा में क्या होता है, किस तरह से लगता है, कितना फर्क आता है। जी हाँ, तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे पासपोर्ट वीएस वीजा में अंतर। जी हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है, पासपोर्ट की क्या वैल्यू होती है आपके लिए, वीजा की आपके लिए क्या वैल्यू होती है, दोनों टॉपिक पे हम बात करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों पासपोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि पासपोर्ट पासपोर्ट एक वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको साबित करता है विदेश में कि भाई ये आदमी इस कंट्री का है। अगर आप मान लीजिए अमेरिका, दुबई, कतर, कहीं पर भी जाके अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी दिखाओगे तो कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती अंतरराष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो। लेकिन अगर आप अपना पासपोर्ट दिखाओगे तो वो नेशनल लीगल डॉक्यूमेंट है आपका, उससे पहचान होती है कि आप इंडियन हो, आप फलानी कंट्री के हो, आप उस कंट्री के हो। जी हाँ साथियों, तो पासपोर्ट को इसलिए इम्पोर्टेंट है, बाकी पासपोर्ट आपकी पहचान को बताता है दूसरे देश में, खास तौर से इंडिया में भी। देखिए, आपके पासपोर्ट में पूरा एड्रेस पता होता है, पूरा लीगल आपका फादर नेम वगैरह सब कुछ, तो आपकी एक आइडेंटिफाई प्रूफ है, ये इंटरनेशनल प्रूफ जो भारत सरकार इसको मान्यता देती है और भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि भाई पासपोर्ट का क्या मतलब होता है। और अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है किसी भी देश में तो आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है, बिना पासपोर्ट के आप इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर इंडिया में फ्लाइट में बैठ के दूसरी स्टेट में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी एक्सवाइजेड चल जाता है। लेकिन आपको अगर विदेश में जाना है तो बिना पासपोर्ट के आप विदेश नहीं जा सकते, पासपोर्ट होता है तो ही आप जा सकते हैं। तो पासपोर्ट का मतलब समझ गए होंगे, बनाने का तरीका आपको पता ही है, 1500 रुपए गवर्नमेंट ने फीस निर्धारित की रखी है, 3 से 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं, महीने भर में पासपोर्ट बनके घर आ जाता है, दैट सिंपल है। और कोई भी इस पासपोर्ट को बना सकता है, अनपढ़ से लेके जो वो कितना ही बड़ा ऊपर अधिकारी हो, सबके लिए समान रेगुलेशन, समान नियम के हिसाब से आप पासपोर्ट बना सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं वीजा के बारे में। अब वीजा क्या होता है, बहुत सारे लोग भाई वीजा के लिए जाते हैं, कोई विदेश जाता है जॉब करने के लिए, कोई घूमने के लिए, कोई बिजनेस के पर्पज के लिए, कोई मेडिकल पर्पज के लिए जाता है, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग सोच के हिसाब से विदेशों की यात्रा करते हैं। इसके लिए आपके पास एक वीजा होता है। अब वीजा क्या होता है भाई, वीजा का मतलब एक कितना ही मतलब है वीजा का कि वो एक परमिशन लेटर होता है, ये मान लीजिए। और वो परमिशन लेटर कौन देता है, जिस देश में आप जाते हो वो देश आपको बोलता है कि भाई ठीक है, ये आपको परमिशन लेटर दिया जा रहा है, इसके माध्यम से आप हमारे देश में आके रह सकते हैं। जी हाँ, अब वो परमिशन लेटर कितने, अब वीजा की बात करें तो कितने टाइम का होता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। कोई वीजा 15 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, वो अलग अलग होते हैं, कोई एक 3 महीने का, 6 महीने का, साल का, 2 साल का, 3 साल का, इस तरह से कई वीजा 10 10 साल के भी होते हैं, बिजनेस वीजा वगैरह। तो इस तरह से ये तय होता है कि भाई आप वो एक परमिशन लेटर वीजा जिसको बोलते हैं, उसी के माध्यम से वहां की सरकार तय करती है कि भाई आपको इस परमिशन लेटर पे इतने दिन हमारे देश में रह के आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हो जो लीगल हो वहां की सरकार के और वहां के लॉ के अनुसार। जी हाँ, अब वीजा की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं साथियों जो ऑन अराइवल वीजा होता है, ऑन अराइवल वीजा होता है, कई कंपनियां हैं, कई कंट्रीज पैसा लेके वीजा देती है, उसमें फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि भाई बहुत सारी कंट्रीज ऑन अराइवल इसलिए होती है, वो एक मित्रवत एक तरह से, तो ये आप समझ सकते हैं, या फिर उनकी सोच ये होती है कि भाई इन देशों के लोग हमारे देश में आ सकते हैं बिना वीजा के, वो यहाँ पे रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी में कुछ न कुछ फायदा होगा टूरिस्ट के माध्यम से, एक्स वाई जेड किसी भी तरीके से। जी हाँ, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो नॉर्मल कंट्रीज को भाई वीजा पैसा देके, वीजा का अपने को पैसा पे करना होता है, उसके बाद आपको आप जितने दिन रहना चाहते हो उस हिसाब से आपको वीजा का पैसा पे करना होता है, फिर आपको वीजा मिल जाता है, वो वीजा के हिसाब से सरकार वहां की तय करती है। आप समझ चुके हैं साथियों वीजा का पासपोर्ट का मतलब इतना ही होता है, इंडिया से बाहर जाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए और जिस देश में आप घुस रहे हो वहां पे आपका उस देश कंट्री का वीजा होना चाहिए, बस सिंपल सी यही बात है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।